खासदार क्रीड़ा महोत्सव के तहत मंगलवार को कैरम प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। वेमा अस्पताल चौक स्थित संत रविदास सांस्कृतिक सभागृह में यह आयोजन किया गया था। भाजपा प्रवक्ता गिरीश व्यास इनके हाथों से यह उद्घाटन हुआ। इस दौरान उन्होंने कैरम के लिए अच्छे दिन आने की बात कही है। कैरम यह सामान्य लोगों का खेल है। इस खेल को बाल गोपाल और बड़े भी बड़े चाव से खेलते हैं। साथ ही इस खेल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त हुआ है। इस खेल को नागपुर में आयोजित खासदार क्रीड़ा महोत्सव में भी जगह मिल गई है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को वीमा अस्पताल चौक स्थित संत रविदास सांस्कृतिक सभागृह में भाजपा प्रवक्ता गिरीश व्यास इनके हाथों हुआ। कैरम प्रतियोगिता को इस बार भी खासदार क्रीड़ा महोत्सव में जगह मिलने से कैरम प्रेमियों में खुशी का माहौल होने की बात गिरीश व्यास ने कही। निश्चित रूप में कैरम हा सर्वसामान्यांचा खेल है। अगदी लहानपणापासून घरातल्या परिवारांमध्ये कॅरम आहे आणि लहान मुलं, मोठी मुलं, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक हे सगळेच कॅरम खेळतात आणि कॅरमवर अनेक सिनेमे देखील या संदर्भामध्ये निघाले आहेत आणि आता खासदार महोत्सवामध्ये या कॅरमला मिळालेलं स्थान पाहून आम्हाला फेडरेशनच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना, महाराष्ट्र असोसिएशनला, विदर्भ कॅरम असोसिएशनला, नागपूर कॅरम असोसिएशनला खूप आनंद झाला। याच्याही आधी जेव्हा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस होते त्यावेळेला त्यांनी इथे एक मुख्यमंत्री चषक घेतला होता पूर्ण महाराष्ट्रात, त्यामध्ये तालुका स्तर आणि ग्रामीण स्तरापर्यंत आम्ही कॅरम खेळवला होता आणि थंबपासून इंटरनॅशनल नियम नाही पण सगळ्या ह्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की कॅरमला चांगले दिवस आलेले आहेत। 2 महिन्यापूर्वी पुण्याला 18 देशांनी या स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आणि येणाऱ्या मार्चमध्ये पुन्हा नागपूरला एक मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅरमच्या टुर्नामेंट्स नॅशनल चॅम्पियनशिप नागपूरला आहे। माझी विनंती आहे की सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये यावं। कॅरमला चांगले दिवस आले, सुंदर अरेंजमेंट खासदार महोत्सवामध्ये इथे नागेश सहारेंनी, प्रशांत कांबडे, शीतलताई, उषाताई पायलट या सगळ्या टीमच्या सदस्यांनी केलेली आहे। या सर्वांचं एक चांगलं वातावरण कॅरमला दिल्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे आणि नागपूरला आनंद याचा आहे, अभिमान आहे की इरशाद अहमद म्हणून आमचा एक सामान्य झोपडपट्टीचा कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ता हा चॅम्पियन झाला आहे, वर्ल्ड चॅम्पियन। आणि या वर्ल्ड चॅम्पियनमध्ये त्यांनी 18 देशांबरोबर, केवळ भारतामध्ये नाही तर तो अनेक राष्ट्रांबरोबर त्याच्या स्पर्धा झाल्या आणि त्याच्यातून तो वर्ल्ड चॅम्पियन झाला। हा देखील आमच्यासाठी एक आकर्षण आहे आणि या खेळाला पुढे अधिक चांगले दिवस येतील याचा आम्हालाही विश्वास आहे। साथ ही उन्होंने कहा कि खासदार महोत्सव के कारण कैरम के अच्छे दिन आ गए हैं। इससे नागपुर कैरम एसोसिएशन ने खुशी जाहिर की है। मार्च महीने में नागपुर में कैरम टूर्नामेंट की नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। नागपुर में कैरम के चहेते हैं, साथ ही कैरम खेलने वाले खिलाड़ी भी है, राष्ट्रीय दर्जे के खिलाड़ी भी है। यह खुशी की बात है पर खासदार क्रीड़ा महोत्सव के कारण यह संख्या बढ़े ऐसी बात भी व्यास एरो ने कही। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरा कड़े के साथ नितिन चेगावकर की रिपोर्ट।